यूपी में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बुलडोजर का प्रभाव सोनभद्र में भी देखने को मिला, जहां महज 15 दिनों में अवैध अतिक्रमण पर दूसरी बार बुलडोजर चलने से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उपजिला अधिकारी दुद्धी के कार्यभार संभालने के 22 दिन के अंदर बुलडोजर चलाने की दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। NCL खड़िया परियोजना के सरकारी जमीन पर कई सालों से 3 लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिस पर बुलडोजर चलाकर करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। NCL खड़िया परियोजना की सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर बनाए गए अवैध मकानों और दुकानों को पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। इस सरकारी जमीन पर सपा नेता जगत नारायण चौरसिया, कारोबारी अख्तर रजा और अवधेश सिंह यादव ने अवैध निर्माण किया था, जो अब प्रशासन ने मुक्त कराया है। बता दें कि दुद्धी तहसील के उपजिला अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के 22 दिनों के अंदर अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। आज ये NCL की लैंड पे जो अवैध कब्जा किया हुआ था, 3 लोगों का कब्जा था और बहुत सारे लोगों का कब्जा था, लेकिन आज ये 3 जो लोग थे इनके अवैध कंस्ट्रक्शन को हमने डिमोलिश किया हुआ है। श्योर करेंगे कोई नया कंस्ट्रक्शन सरकारी ज़मीन पे न हो सके और जो पुराने भू माफिया लोग या जो दबंग लोग गुंडई करके सरकार की ज़मीन या सरकार की परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन सब के अगेंस्ट सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। इसका संज्ञान हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे SP साहब, हमारे सब लोग शासन की मंशा के हिसाब से इस पे कार्रवाई करते रहेंगे। लगभग खास करके मैं ये कहूँगा कि अच्छी से सारी कानून व्यवस्था मेंटेन रही, जिसके कारण बिना किसी परेशानी के डिमोलिशन जो हुआ है अवैध, उसको हमने हटाया है। और ये बाकी जो अवैध कब्जेदार हैं उन लोगों के लिए मैसेज है कि सरकार की मंशा यही है कि कोई भी सरकारी ज़मीन जो जनता के लिए, जनता के पर्पज़ के लिए है, जहाँ पे सरकार उनके लिए कंस्ट्रक्शन कराएगी, उस पर किसी का अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये बाकी सब लोगों के लिए मैसेज है। SDM शैलेंद्र मिश्रा लगातार सरकार के आदेश पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करा रहे हैं। अपनी 2 कार्रवाई में उन्होंने करीब 10 करोड़ की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। साथ ही अतिक्रमण करने वाले माफियाओं को सुधर जाने का मैसेज भी दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए सोनभद्र से प्रदीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।